अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है सब दोस्तों। देखिए करते हैं सारे खरीद ना होगी तो एक बजे को साढ़ा वीर भरा किसी मुसीबत किसी परेशानी किसी बीमारी च मुबतला है तो असं अपने आप तला की दुआ करते हैं कि अल्लाह तला तेरे वास्ते आसानी पैदा करे जी और अल्लाह तला तमाम साढ़े देसी वीर वास्ते भी आसानियाँ पैदा करे जी। लो जी मामा जी लिया प्लेटा अगला सफाई न तो साढ़ा टाइम आ गया जी नाश्ते का बाद बज गई है कि नाश्ता बन गया है आ जाओ। साड़ी रूटीन ये है जी असी जो आईद सुबह तो उदो एक बंदा नाश्ता बनाता है बाकी असं काम से लग जाए असं अपना खलता शलता कट्टी थोड़ी सफाई करी दी है जो नाश्ता बन जाता है सू आवाज़ आती है कि भाई जी नाश्ता बन गया है तो आ जाओ फिर असं नाश्ता करके फिर असं काम से लग जाइए। ये जी सा डेली ये नहीं है कि एक बंद ने नाश्ता बनाना है तो दूसरे को बैठे रहने इंतजार करते रहन नहीं असं अपने काम से लग जाइए जो नाश्ता बन जाता है आवाज़ आती है फिर असं नाश्ता कर लीजिए जी। लो जी एक छोटी जी खबर है जी तुहाडे नाल शेयर करते हैं कि साढ़े मामू जी मामा जान हमें छोड़कर जा रहे हैं। हाय मामू यार ये तो धोखा नहीं भांजे नूं छड़ के चलिया मामे तो दरअसल जी मामे ने इत्थे ते उन्होंने ये वास्ते कोई काम लभ्या ते सौखा है काम जी पर अलहमदुल्ला सानू खुशी हुई है कि अगर इमदी मजदूरी तो जान छुट जाए और किसी सौखे काम से लग जाए क्योंकि साढ़े नसीब से लिखी गई है मजदूरी चलो यही मामा ही साडा बच जाए और कित दुकान पर लग जाए कित अच्छी जगह पर लग जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि असली में रात में साढ़े को गैब हो जाएगा जी इंशाल्लाह। बाकी आओ जी पुछते हैं मामे को कि मामे के की जज्बात ने की मामे की फीलिंग्स ने मामे के कोल ही पुछते हैं जी। हाँ मामा मामा सुना फिर दस यार की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम वीरो भराओ अर्जे आ भराओ जा रहे फिर मामू को दस दस जरा खुश हो गए थोड़ा जा अच्छा काम मिलया बहरहाल मैं तो देखा नहीं मामू होनी कहते भी तेरे वास्ते ठीक रहेगा काम तो मैं क्या चलो चंगी गल जो तू भी एहसास हो नहीं मामू रिश्ते काम आ ही जाते हैं कितने ना कितने काम बड़ी अपने ही आते ठीक है अलहमदुल्ला परेशानी तो इतने भी कोई नहीं सी सुबह तू आईदा शाम चल जाइदा काम करीदा सारी दिहाड़ी अलहमदुल्ला कोई परेशानी नहीं सी ते बेहतर ये आ चलो उन्हां दा भी मान रखना वा बिल्कुल क्योंकि चार पांच महीने हो गया तकरीबन उन्होंने मैं फोन शून करदा सी अगे काम शाम दा भी कहंदा हुंदा सी उन्होंने मामू जी काम है नहीं सी तां नहीं सी हुण काम लभ्या तां उन्हां नाल ही तैनूं फोन करता कि आ जा। हाँ जी ते भराओ अरजे आ साडे हक दुआ करियो अल्लाह पाक सानू कामयाब करे अल्लाह ताला मामू नूं भेजे कामयाब जाइए चाहुंदे आ फिर मिलांगे जींदे रहते लख वार। लो जी मामे ने दस दिता है जी लाले नूं कि मैं आपके मामू हुणां कोले जाणा जी रियाज नहीं जाना सॉरी गलतफहमी हो गई मैनूं वो जा रहा जी जद्दे मक्के दे कोल रहेगा तो उत्थे उहनूं काम लभ गया जी एक दुकान च ते वह उत्थे चलिया जी दुख तो हुंदा कि जदों कोई किसी नूं किसी कोलों छड्ड के जांदा चार दिन नंगे होण ते उहनूं चार महीने हो गए ने साडे कोले आया नूं और वैसे भी दिल दा बंदा यकीन करो कि इन्ना ही अच्छा है कि कोई बंदा सोच ही नहीं सकदा बिल्कुल नॉर्मल है बिल्कुल सादा है और दिल का बिल्कुल साफ है और इवें दे बंदे ने जिहड़े बहुत घट मिलते हैं लड़ाई झगड़े वाला नहीं हैगा गलत गल करन वाला नहीं हैगा बहुत ही अच्छा है। बाकी सानू इस चीज़ का कोई दुख नहीं कि वह सानू छड़ के क्यों जा रहा है लेकिन इस चीज़ का दुख है कि वह साडे कोलों जा रहा है लेकिन जो जिहड़ा दिल ही तलक बनया हुंदा उहदा दुख है बाकी काम की वजह तो कोई दुख तकलीफ नहीं है सानू खुशी है कि अल्लाह करे उन्हूं एक अच्छा काम मिल जाए चलो इस मजदूरी तो दी जान छुट जाए और उत्थे छावे छावे काम करे फैक्ट्री च काम करता रहा जी पाकिस्तानों तो उहदा काम ही इवें दा सी ते इत्थे भी उन्हूं अल्लाह करे इवें दा काम लभ गया और अल्लाह करे उत्थे पक्का ही हो जाए बाकी इंशाल्लाह शायद तो अज चला जाए कल चला जाए या जुमेरात नूं चला जाए बाकी उन्हें इंशाल्लाह साडे को चला जाना ते असीं दुआ करदे आ कि अल्लाह ताला साडे मामू जी नूं कामयाब करे। ये साडा मामू जी रिश्ते च नहीं हैगा ये साडी फुफो दे बेटे दे नाल उहदा दोस्त सी वीज़ा सी दित्ता सी लाले ने ते साडे कोले आया लेकिन असीं आउंदे ही इहनूं दो तीन दफा मामू जी सद्दिया ते बस उह लफ़ज़ जिहड़ा उह पक्का ही हो गया और अच्छा भी लग्या और उस तो बाद सारे इनू मामू जी साथ देने ते बाकी अल्लाह ताला जी इनू खुशियां देवे और अल्लाह ताला तुसी भी लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हर किसी परदेसी वीर नू कम शम लभी जावे उहदे वास्ते आसानियां पैदा होण उहनू परदेस च कोई परेशानी ना आवे क्योंकि इत्थे उह तनहा हुंदा है इकल्ला हुंदा है इत्थे जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल है लेकिन जिन्हां नूं इत्थे आपदियां अगे इन्हां नूं सहूलत मिल जांदी उहनां वास्ते कोई मुश्किल नहीं जिस तरह कि मैं आया
मेरे चार भाई से इतने, मामे का बेटा है, फुफो का बेटा है, अलहमदुल्ला साड़ी एक फैमिली है इतने, और अलहमदुल्ला असी पाटे हुए नहीं गए, असी जुड़े हुए हैं आपस से, असी इकट्ठा काम करीदा, इकट्ठे रहीदा, आपस से जुड़े हुए हैं, और अल्लाह करे सानू जुड़िया हुआ ही रखे, और अल्लाह ना करे कि असी जिंदगी कभी साढ़े इतने दराड़ पै जाए साढ़े रिश्ते, और साढ़ा एक बड़ा निज़ाम है अलहमदुल्ला, असी सुबह शाम दोपहर इकट्ठे रहीदा। तो बाकी ठीक हो गया जी, कल तक कटिया पाया जी 24 ट्रालियां का, तो काम कर लेना है, काम शुरू कर लगे हैं बस, तो इंशाल्लाह फिर अगर बिच टाइम मिलिया तो कोई गपशप लावांगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होएगी जी। हाय ओ परदेस वाले, उन्हें आखिया रोल तो गए हैं पर चस बड़ी आई है। लो जी, मामे ने जाना है जी जद्दे, तो अफसर की आई डी बनवानी सी लेकिन वो आई डी नहीं बनी, वो है कि एक भाई जी वो फिंगर नहीं आए, और फिंगर नहीं आन गए तो आई डी नहीं बनेगी, फिंगर लाजमी है। तो इतने मजदूरी कर करके साढ़े जोड़े हाथ ने घस जाते हैं उंगलों, क्योंकि प्लस्तर का काम है सारी दिहाड़ी, हाथ च कोई ना कोई चीज़ बेलचा या तगारी रहनी है, तो उत्थे फिंगर नहीं आए, तो अफसर की आई डी नहीं बनी, अफसर की आई डी नहीं बनी, तो मसला यह है कि भाई जी सिम नहीं उन्होंने देनी, उन्होंने आख्या कि अफसर की आई डी जी लाजमी है सिम वास्ते, वरना सिम नहीं मिल सकती, पहले मिल जाती सी लेकिन हुण भाई दे बच्चे आए ने, तो सिम लैनी सी, तो रजा गया सिम निकलवाण, तो उन्होंने आख्या भाई जी पहले अफसर की आई डी बनवा के आओ, तो उस तो बाद सिम निकलेगी। की मजबूरियां ने परदेस च, ये परदेस वाले जानते ने, तो यार रब सोना जानता है, बाकी जेरे वीर भरा पाकिस्तान च बैठे ने आपदे या रिश्तेदार या आपदे भैन भाई बैठे ने, उन्होंने कोई पता नहीं कितने की परेशानी है, बाकी अल्लाह ताला खैर करे जी इंशाल्लाह। लो जी अलहमदुलिल्लाह जी, फाइनली मामू साढ़े तो जुदा हो रहा है जी, मामू जा रहे हैं जी जद्दे, तो टैक्सी वाले ने भाई जी राबता हो गया जद्दे लैके जाएगा, बसा भाई जी बंद हो ने, नहीं तो मामे नू जड़ी उमरा करने वाली बस जाती है जी, वो बस से भेजना सी, नाले मामा करदा उत्थे उमरा, तो नाले आपदे मामियां दे कोले जद्दे पहुँच जाता, लेकिन बस हो गई है जी बंद क्योंकि हज का दौरान आ गया, तो मामा जी जाती बारी की कहोगे सानू, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਭਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ, ਕਿ ਮਾਮੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਬਸ, ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਮੂ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਾਮੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।